एक बार की बात है, अली नाम का एक दर्जी था। वे रायपुर गांव में अपनी पत्नी, तीन बेटियों और अपने बेटे के साथ रहता था। घर का काम पूरा करने के बाद अली की पत्नी उसकी सिलाई की दुकान पर जाती थी। उसकी तीन बेटियों समीरा, सिमरन और सोनिया की उम्र में दो दो वर्ष का अंतर था। वे हमेशा एक दूसरे की बातें मानती थीं। जब अली की तीसरी बेटी सोनिया 4 साल की हुआ करती थी, तो अली और सबा ने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम सुलेमान रखा। सुलेमान परिवार में सबसे छोटा था, इसलिए उसके माता पिता और उसकी बहनें उसे बहुत लाड प्यार करती थीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुलेमान को इसकी आदत पड़ गई। उसकी माँ उसे रोज खाना खिलाती थी। सिमरन और सोनिया उसे पढ़ाते थे और उसका काम भी करते थे। दर्जी की दुकान पर काम खत्म करने के बाद अली अपना समय अपने बेटे के साथ खेलने में बिताते थे। दिन के अंत में समीरा उसे सुलाया करती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे इतना लाड प्यार मिला था, वह कभी भी घर का काम नहीं करता था। लेकिन वह दोस्तों के साथ घर से बाहर अपना समय बिताता था और उसे दूसरों की मदद करने की आदत लगती गई। जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, अली की सभी तीन बेटियों की शादी हो गई। अली और उसकी पत्नी को एक उम्मीद थी कि सुलेमान जिम्मेदार बनेगा और घरेलू कामों में और दर्जी की दुकान के कामों में उनकी मदद करेगा। हालांकि घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सुलेमान अब तैयार था, फिर भी उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। एक दिन जब सुलेमान अपने दोस्तों के साथ अपना समय गुजार रहा था, उसका एक दोस्त शोएब उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। दोस्तों, मेरी मौसी की घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। उनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। मुझे लगता है कि हम सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। सुनो दोस्त, मुझे तो स्वयं ही सहायता की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यार? एक दोस्त ने ऐसा कहा और वहां से निकल गया। अरे यार, मुझे डर है, अगर मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे दोस्त ने ऐसा कहा और वो भी वहां से निकल गया। शोहेब, चिंता मत करो, साथ चलो। सुलेमान ने ऐसा कहा और उसे अपने घर ले गया। उसने उसे कुछ खाना दिया और कुछ कपड़े भी दिए। सुलेमान के माता पिता यह सब देख रहे थे। वे अपने बेटे से सवाल करना चाहते थे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तब तक सुलेमान अपने दोस्त के साथ पहले ही वहां से चला गया। सुलेमान हर बार किसी नए व्यक्ति के साथ इस मदद करने की आदत को दोहराता रहा। वह बस अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताता था और कभी भी अपने माता पिता के साथ समय बिताने के बारे में उसने सोचा ही नहीं। हर दिन जब सुलेमान घर लौटता था, उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान ने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया। मेरे बेटे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कम से कम अब मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरी सिलाई की दुकान की जिम्मेदारियां ले लो। पिताजी, आपका मतलब क्या है? क्या मुझे कपड़े सिलने चाहिए? मुझे उस काम के बारे में कुछ नहीं पता। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ पिताजी। आप
कृपया कोई और तरीका निकालें। उसने यह कहा और बिस्तर पर चला गया। अगले दिन बड़ी बेटी समीरा अपने माता पिता को देखने के लिए आई और जब वह उनका हालचाल पूछ रही थी, उसे अपनी माँ से सुलेमान के व्यवहार के बारे में पता चला। उसके बारे में चिंता मत करो पिताजी, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। वह अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और अपने भाई को एक पत्र लिखा जिसमें उसे पता चला कि वह उन्हें उत्सव के लिए ले जा रही है। यह पत्र दरवाजे के ताले पर रखा हुआ था। जब सुलेमान घर लौटा, उसने उस पत्र को देखा जो दरवाजे से लगा हुआ था। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया, मगर उसे तो कोई परवाह ही नहीं हुई। मगर एक दिन फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पास रोज की तरह घर पर माँ नहीं है उसे खिलाने के लिए। घर आते ही उससे बात करने के लिए पिता भी नहीं है। उसे पैसे देने के लिए दुकान में पिता बैठे ही नहीं है। हर दिन जब तक वह घर आता तो घर सुनसान और अकेला दिखता। उसे घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ही सुलेमान अपने घर के बाहर बैठा, उसने देखा कि एक बूढ़ा जोड़ा सड़क से जा रहा है। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। जब वह उन्हें देख रहा था तो वो बूढ़ी औरत अचानक से फिसलकर गिर गई। सुलेमान तुरंत मदद के लिए उनके पास पहुंचा। आप इतने कमजोर हैं, इस हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा एक लौता बेटा है, उसने भी हमें छोड़ दिया है। हम नहीं जानते कि कहाँ जाना है और हम बस दर दर भटक रहे हैं। सुलेमान ने उस बूढ़े जोड़े की बातों को सुना और अचानक अपने माता पिता और उनके साथ व्यवहार करने के तरीके को याद किया। उसे अपने माता पिता के प्रति व्यवहार की गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्त शोहिब को फोन लगाया जिसके पास एक रिक्शा है, और उसे वो बूढ़े जोड़े को छोड़ने के लिए कहा। दूसरे दिन सुबह जब अली और उसकी पत्नी यात्रा से घर वापस आ रहे थे, सुलेमान बहुत खुश था। और जब वह आई तो वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। वहां से सुलेमान को अपने कर्तव्यों का एहसास हुआ और उसने अपने पिता की सिलाई की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। और घर की जरूरतों को भी वह खुद ही पूरा करता था। उसने अपनी माँ के साथ भी समय बिताना शुरू किया। फिर कुछ दिनों के बाद तीनों बेटियां अपने माता पिता से मिलने आईं। उनमें से बड़ी बेटी समीरा अपने भाई के बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई और कि उसके समाधान ने उसके भाई के व्यवहार को बदलने में मदद की है।